SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 14 लाख लोग पीड़ित हैं। कोरोना वायरस से दुनिया अभी कांप ही रही थी कि एक नए कोरोना ने दस्तक दी है। ये नया कोरोना भी चीन के उसी प्रांत से निकला है जहां से पुराना कोरोना निकला था। जानकारों की माने तो ये नया कोरोना पुराने कोरोने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने कोरोना का कोई लक्षण ही नहीं है, यानी इसके शिकार बने शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि वो संक्रमित है। चीन में कोरोना रिटर्न्स की यह कहानी डरावनी है, क्योंकि कोरोना के लक्षण तो हम सबको पता थे, उसी हिसाब से दुनिया इसके बचाव के इंतजाम कर रही थी। सर्दी, खांसी, गला खराब, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, यही कोरोना के लक्षण बताए गए थे। मगर अभी इस कोरोना से पूरी दुनिया जूझ ही रही है कि दुनिया को डराने के लिए नई शक्ल में कोरोना उसी चीन में दोबारा लौट आया है जहां से पहला कोरोना फैला था। मगर इस बार ज्यादा खतरनाक तरीके से, खतरनाक इसलिए क्योंकि इस बार ये कोरोना बिना किसी लक्षण के सामने आया है। मतलब कि ये मान लीजिए कि कोई कोरोना से संक्रमित है तो उसे खुद भी नहीं पता चलेगा कि वो संक्रमित है, क्योंकि इसने कोरोना के संक्रमण का कोई लक्षण ही नहीं है, इसीलिए इसे एसिम्प्टोमेटिक केस कहा जा रहा है। दरअसल एसिम्प्टोमेटिक केस का मतलब है कि कोई कोरोना से संक्रमित हो तो मगर उसमें इस बीमारी के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। आसान जबान में इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है तो इसकी जानकारी ना तो खुद उस शख्स को होगी और ना ही बिना टेस्ट के डॉक्टर ही इसका पता लगा पाएंगे। सिर्फ टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन तो संक्रमित मरीजों को पकड़ तक नहीं पाएगी। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना का मरीज COVID-19 के आम मरीज से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कम से कम उसमें कोरोना के लक्षण नजर तो आते हैं। दुनिया भर में कोरोना के जो मामले अब तक सामने आए हैं वो सिम्प्टोमेटिक केसेस थे, यानी वो कोरोना से संक्रमित भी थे और उनमें इसके लक्षण भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे, इसलिए उनको पहचाना भी आसान था और वो खुद भी इस बात का ख्याल रखते थे कि उनकी वजह से ये संक्रमण किसी और को ना फैले। मगर कोरोना एसिम्प्टोमेटिक मामले सामने आने की वजह से ये खतरा ना सिर्फ चीनी अथॉरिटी और वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा हो गया है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। भारत जैसे देशों में जहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को ही पहचान मुश्किल है, वहां अगर एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के मामले सामने आने लगे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या होगा। कोरोना वायरस की यह हेराफेरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ इटली, अमेरिका, स्पेन और ईरान अभी कोरोना के सीधे मामले से ही पार नहीं पा रहे हैं, अगर वहां ठीक होने के बाद कोरोना के मरीज एसिम्प्टोमेटिक हो गए तो कोरोना से ठीक हुए ज्यादातर मरीज चलती फिरती मौत बन जाएंगे, जो जाने अनजाने लोगों को मौत का ये वायरस दे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।